हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, तो मैं भी अच्छा हूँ। दोस्तों, मैं जा रहा हूँ मम्मा के साथ सेलावाली बाज़ार, तो वहाँ से कुछ लाना है सामान घर के लिए और कुछ दुकान के लिए। सो नहा धो के रेडी हो चुका हूँ। गाड़ी को भी मस्त धो दिया है, चमका दिया है। सो अब मैं गाड़ी में बैठा हूँ भाई, गाड़ी को करने लगा हूँ स्टार्ट। मम्मा कर रही है सभी डोर बंद, तो मैं और मेरी मम्मा जा रहे हैं दोनों भाई। तो देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस आज का। सो आप लोग बने रहे हमारे साथ। अभी फ़िलहाल टाइम हुआ है 1 बजा है भाई, 1 बजे मैं और मेरी मम्मा जा रहे हैं सेलवाली बाज़ार। सो देखते हैं कितने बजे तक हम वापस लौटते हैं और क्या क्या सामान लेते हैं हम। सो आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। सो आप लोग बने रहें आगे का ब्लॉग देखने के लिए हमारे साथ। सो फाइनली दोस्तों, मैं और मेरी मम्मा निकल चुके हैं घर से। सो देखते हैं कैसा रहता है आज का एक्सपीरियंस, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सो आप बने रहें मेरे साथ दोस्तों। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा भाई, मैं ज़्यादा मेटाडोर में ट्रैवल करता हूँ, बट आज मैं जा रहा हूँ भाई कार लेके। कैसा रहता एक्सपीरियंस, आज खुद ड्राइव कर रहा हूँ भाई गाड़ी को। सो देखते हैं, डर भी लगता है भाई जब खुद ड्राइव करते हैं, कई मुश्किलें भी आती हैं रास्ते में भाई, ऐसी बात नहीं है। ड्राइविंग करना कोई आसान बात नहीं होती है, चलो सीख के कुछ बनता है इंसान। सो दोस्तों, ये जो कन्ना नाला ब्रिज बन रहा है भाई, इसका काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। सो इसलिए अभी तक हमें इस साइड से जाना पड़ता है, नीचे वाले रोड से जो नाले के बीचों बीच रास्ता जाता है, इसके बीचों बीच जाना पड़ता है हमें। जब भी ये कंप्लीट हो जाएगा फिर इसके ऊपर से जाया करेंगे पुल के, बट अभी तक BRO ने ये पुल कम्प्लीटली खोला नहीं है भाई। गाड़ियाँ बिल्कुल बंद कर दी हैं, पेंटिंग का काम चल रहा है भाई पुल के ऊपर। सो दोस्तों, पहले जो ये रोड था भाई, ये दुकानों के बीचों बीच था, बट पुल की वजह से ये रोड हो गया बंद। सो इसके घर के पीछे वाली साइड से रोड दिया है, तो इधर से गाड़ियां जा रही हैं अभी तक। जब ये पुल कंप्लीट हो जाएगा सो ये वाला रोड बंद हो जाएगा, फिर गाड़ियां सभी ऊपर वाली साइड से जाएंगी पुल के। ये है दोस्तों जोगवा मार्केट। छोटा मोटा सामान लेने के लिए हमें इधर आना पड़ता है जोगवा भाई। ये है दोस्तों जोगवा पुलिस चौकी। सो हमारे गांव में यही एक पुलिस स्टेशन है भाई, स्पीड ब्रेकर बना दिए गए हैं इधर। तो दोस्तों, मैं पहुंच गया हूं कला गांव में। सो एक का आपको सुजेशन देता हूं भाई, जो खड़ा वाला रोड है ना, इस रोड का भी काम बहुत ही जोर शोरों से चल रहा है। और इसके साथ ही एक पुराना रोड है भाई, जो
लोगों के घर वाली साइड से जाता है, जो कला स्कूल है ना उसके अपोजिट पीछे की तरफ वहाँ से रोड जा रहा है भाई। उसका भी काम कंप्लीट होने वाला है, अभी ठेकेदारों की तरफ से उधर अच्छे से काम चल रहा है। जब ये सभी रोड कंप्लीट हो जाएंगे तो आपके पास ऑप्शन होंगे कि आप किसी भी रोड में जा सकते हो। जिस रोड में मैं अभी जा रहा हूँ भाई, ये थोड़ा किलोमीटर के हिसाब से दूर पड़ता है, और इसके साथ ही जो कला स्कूल वाले पीछे वाली साइड से रास्ता है ना, वो दोस्तों थोड़ा शॉर्ट्स में पड़ जाता है। और अगर किसी को अखनूर की तरफ जाना हो, वो भाई खड़ा वाले रोड से जा सकता है भाई। कला वाली साइड से रोड का काम चल रहा है अभी कुछ महीने या साल कह सकता हूँ, जब तक वो कंप्लीट नहीं होता तब तक आपको इसी रोड से जाना पड़ेगा भाई। जैसे ही कांटक की जंगल के पास पहुंचे तो आगे बंदरों का झुंड किट्ठा हुआ था भाई। मैंने ब्रेक मारी गाड़ी की, सो गाड़ी के ऊपर चढ़ गए सभी बंदर भाई। मम्मा ने कहा जल्दी जल्दी निकलो यहाँ से, सो वहाँ से निकला भाई। आगे और बंदर थे, बंदर क्यों थे भाई इसका रीज़न मुझे पता नहीं, बट किसी ने कुछ डाला होगा इनको, तभी इतने एक साथ किट्ठे हुए थे। मैं गाड़ी को एक साथ लेते लेते आगे की ओर गया, आगे देखा तो और भी बंदर खड़े हुए थे भाई। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई बाइक वाला हो तो अकेले में मत रुकना भाई इन बंदरों के पास, कभी कभी बंदर कुछ खाने के लिए आपके पास ऊपर अटैक भी कर सकते हैं भाई। भाई मैं और मम्मा डर गए दोनों, गाड़ी के शीशे फ्रंट मिरर होता है ना उसके ऊपर चढ़ गए थे भाई। चढ़े मैं नहीं चढ़े थे चौधरी वाले काली माता जी के मंदिर को किया प्रणाम, फिर आगे की ओर निकले भाई। पहुंच गए सेला वाली मार्केट। सेला वाली मार्केट पे रुकना नहीं था मुझे, क्योंकि मुझे लेना था सामान, इसलिए मम्मा बोली पहले प्लान वाला चलते हैं, उधर से अपने घर के लिए और दुकान के लिए सामान ले आते हैं। सो सेला वाली से निकल के प्लान वाला वाली साइड भाई। फाइनली दोस्तों दुकान के लिए और घर के लिए सामान ले लिया है। सो अगर आप भी मेरी तरह बजट में सामान लेना चाहते हो तो भाई प्लान वाला टीसीपी मेन मोड़ के साथ ही दुकान है, सन्नी भैया की करियाने की, बिल्कुल होलसेल रेट है इनका भाई। अगर आप शादी के लिए सामान लेना चाहते हो तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप इधर आएँ, तो हमारे उधर की जो दुकानें हैं ना बड़ी बड़ी करने की, इधर से ही सामान जाता है भाई सारा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप भी अगर सामान लेना चाहते हो तो आप इधर आ सकते हो भाई। सो दोस्तों सामान ले लिया है, अब चलते हैं कंटीन, अगर कंटीन बंद हुई तो पैसे निकलवा लेंगे एटीएम से। तो चलते हैं भाई।
तो दोस्तों वही हुआ हमारे साथ जिसका मैं डर था भाई। कंटीन बिल्कुल बंद है, संडे को 1 बजे तक खोल के रखते हैं आर्मी वाले, उसके बाद बंद रहती है भाई। सो फिर हमने एटीएम से पैसे निकाले और कुछ नहीं किया भाई, आगे फिर वापस। अब चलते हैं सेला वाली मार्केट से कुछ लेते हैं सामान, फिर निकलते हैं घर की ओर भाई। भाई आर्मी और पुलिस चेक पोस्ट सेला वाली, ये रोड चला जाता है भाई अखनूर की ओर। ये आ गए हम भाई सेला वाली मेन चौक पर। सेला वाली पहुंच कर पहले लिए डिस्पोजल का सामान दुकान के लिए, सो दुकान के अंदर सामान ले गया और फिर उसमें गाड़ी में डाल दिया भाई। सो उसके बाद आगे मम्मा की जुत्ती देखने के लिए, मम्मा बोली मुझे न्यू लेनी है, बट मम्मा को पसंद नहीं आई भाई। फिर वहाँ से निकले, मुझे लगी थी भूख, फिर मैंने नूडल बनवाई, मैं और मेरी मम्मा ने दोनों ने मिलकर नूडल खाई। फिर उसके बाद हम चले गए भाई शॉपिंग करने। शॉपिंग करने चले गए हम सोनू भैया की दुकान पर कपड़ों वाली, वहाँ से कुछ सेलेक्ट करने के लिए सोचा। फिर मुझे पसंद आई एक पैंट और कमीज, मम्मा को पसंद आ गए भाई स्वेटर, बट ऑप्शन बहुत थे, चूज़ तो एक ही करनी थी। मम्मा ने कर ली अपने लिए स्वेटर चूज़। फिर गए हम काउंटर के पास, वहाँ से हमने सेलेक्ट किए रेट, पैसे दिए पेमेंट करने के लिए। फाइनली दोस्तों मैं और मेरी मम्मा ने शॉपिंग कर लिया, कुछ अपने लिए कपड़े लिए हैं, कुछ मम्मा ने अपने लिए स्वेटर लिया है। तो चलते हैं भाई अब घर की ओर। सो फाइनली दोस्तों पहुंच गए हैं घर। सो देखा होगा आप लोगों ने कुछ सामान लिया घर के लिए, कुछ दुकान के लिए और कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग की।
उसी के साथ हम मैं और मेरे मम्मा पहुंच गए हैं घर। सो इसी के साथ करता हूँ अपनी वीडियो को एंड। आई होप आपको अच्छी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलता हूँ कुछ नेक्स्ट एक्सपीरियंस साथ और अपने इंटरेस्टिंग के ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।